Yes, hello students. I welcome all of you in my world of economics. I'm CS Mayank Agrawal, a company secretary by qualification and teacher by passion as well as occupation. और आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है. गाइज, आंसर राइटिंग सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया. आंसर राइटिंग सीरीज हम कर रहे हैं, जिसके तहत आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. क्यों? चूंकि वो एक न्यूमेरिकल चैप्टर है, इसलिए उसकी थियोरी काफ़ी टेक्निकल हो जाती है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो वी विल सी हाउ और विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी ऐप पर. आप अनअकैडमी पर जाके मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, सी एस मयंक अग्रवाल, यू विल गेट दिस प्रोफाइल. यहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो भी मेरे फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, प्लस क्लासेस हैं, या फिर यूट्यूब के जो सेशंस के लिंक है वो भी, यूट्यूब के जो सेशंस है उसके भी आपको मिल जाएंगे डिटेल्स. उसके अलावा अनएकेडमी आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्राइस ऑफर लेके आया है, जो कि काफ़ी भारी डिस्काउंट के साथ अनएकेडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है. यहाँ पे आपको 45% डिस्काउंट मिल सकता है व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 6th to 12th. और आपको जैसा कि पता है कि अनएकेडमी अगर आप क्लास 6 का भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 12th तक के सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. तो आप 6 से लेकर 12th तक के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं. ठीक है, तो आपके लिए प्राइस सेम रहेगा. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेस का प्राइस सेम है, इसलिए बेहतर है कि आप 6 का सब्सक्रिप्शन लें तो आपको 12th तक के सारे क्लासेस का सब्सक्रिप्शन मिल जाए. ठीक है, इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा. सो यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस. डाउट्स सॉल्विंग डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे. स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे, जिसमें आपको अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलेंगे. लाइव टेस्ट क्विजेस भी मिलेंगे. सो यू कैन सब्सक्राइब बाय यूजिंग माय रेफरल कोड मयंक CS10. ओके, आप मेरा रेफरल कोड MA LIVE या मयंक CS10 दोनों का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ये है सब्सक्रिप्शन का प्राइस डिटेल्स, इसको आप यूज़ कर सकते हो. मेरा रेफरल कोड है मयंक CS10. हियर यू विल गेट डिस्काउंट. मयंक CS10 का इस्तेमाल करके या MA LIVE का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर डिस्काउंट पा सकते हो. ये मेरा रेफरल कोड है MA LIVE, इसका यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट पा सकते हो. ठीक है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है इसलिए आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ माय क्लास. यू विल गेट फुल डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन विद डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, लिंकिंग द टॉपिक विद करंट अफेयर्स. आंसर राइटिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरी क्लास में होता है, क्योंकि उसी से आप आंसर लिखना सीखोगे. यू विल गेट द नोट्स, रेगुलर नोट्स विच इज़ हैंड रिटन एज वेल एज टाइप्ड, मतलब मैं क्लास में भी लिखवाता हूँ और आपको इस तरीके से PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा. ठीक है, रिवीजन के लिए हम चार्ट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जनवरी से स्टार्ट कर देंगे. हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन के साथ ही कवर हो जाता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी हम अलग से कोर्स लॉन्च करते हैं. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ माई क्लास. यू कैन एनरोल फॉर फुल सिलेबस कवरेज ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, चलिए पहला प्रश्न लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखेंगे. मिल्क परचेस्ड बाय पर्सन इज ऑलवेज अ
फाइनल गुड डिफेंड और रिफ्यूट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है मिल्क परचेज बाय पर्सन इज ऑलवेज अ फाइनल गुड डिफेंड और रिफ्यूट। अगर कोई व्यक्ति मिल्क परचेज करता है मतलब दूध परचेज करता है तो क्या वो हमेशा फाइनल गुड्स माना जाएगा? आपको डिफेंड करना है या रिफ्यूट करना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है कि एक पर्सन मिल्क जो परचेज कर रहा है वो हमेशा फाइनल गुड्स कहलाएगा। नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी गुड्स का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है उसके एंड यूज पर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन और इट इज यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इन द बिजनेस। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि मैंने अगर कोई प्रोडक्ट परचेज किया अपने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान में जाता हूँ और वहाँ से मैं वॉशिंग मशीन खरीदता हूँ अपने घर के लिए, ठीक है, दैट इज फाइनल कंजम्पशन। वही वॉशिंग मशीन को अगर मैं अपने लॉन्ड्री बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो वो एक मेरे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब तीसरी बात इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स होते हैं जिसको या तो हम रीसेल के लिए यूज करते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मान लीजिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का डीलर है, वो जो अपनी शॉप में वॉशिंग मशीन रखा है वो रीसेल के लिए रखा है, मतलब एक जगह से खरीदते दूसरी जगह उसको बेचते हैं, सो दैट इज यूज फॉर रीसेल, दैट इज वाई इट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तीसरा चौथा क्राइटेरिया है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। मान लीजिए कि मैं लेदर लेके आता हूँ रॉ मटेरियल और लेदर से मैं शूज़ बनाता हूँ, तो उस शूज़ में वो लेदर ऑलरेडी पूरी तरीके से इंक्लूड हो चुका है, तो लेदर इज़ यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ शूज, सो लेदर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये क्लासिफिकेशन है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन, आंसर का पैटर्न वही रहेगा, तीन पार्ट में आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which are used either for direct final consumption और फॉर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, इसके बाद हम इंटरमीडिएट गुड्स का भी डेफिनेशन लिखेंगे। Which are used either for resale or for further production.
ठीक, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट दिया है। इसमें लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स ऑन एज लिखना द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स एज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज। फॉर एग्जाम्पल इफ If a milk purchased if milk purchased by a person is used for his direct consumption then it is considered as final consumer goods। ठीक है, क्योंकि फाइनल गुड्स में भी दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। इसके बाद सेकंड एग्जांपल लिखेंगे ऑन द अदर एंड इफ मिल्क परचेस्ड इफ मिल्क is purchased by dairy shop owner for making sweets then the milk is considered intermediate goods as it is used for further production of sweets। ठीक,
तो फाइनल गुड्स क्या होता है? तो फाइनल गुड्स वह गुड्स होते हैं जो या तो डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम मिल्क, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि दैट मिल्क परचेज बाय अ पर्सन इज ऑलवेज अ फाइनल गुड्स, जो कि हम लोगों ने दो एग्जाम्पल दे के खारिज कर दिया है। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स एज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज। हम अंत में उसका क्या यूज करें उस पर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड्स कहलाएगा या इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति मिल्क परचेज कर रहा है और वो अपने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, घर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो बेटा वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। वहीं अगर वो मिल्क, अगर मान लीजिए मिल्क कोई डेयरी शॉप ओनर परचेज कर रहा है, ठीक है, स्वीट्स बनाने के लिए, तो फिर उसके लिए मिल्क जो होगा वो इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा एज इट इज़ यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। मिल्क परचेज्ड बाय अ होलसेलर फॉर रीसेलिंग इट टू रिटेलर और फाइनल कंज्यूमर। देन द मिल्क इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स एज इट इज यूज्ड फॉर रीसेल। ठीक, और फाइनली हम लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? तो कंक्लूजन में हम ये लिखते हैं कि ऊपर दिए एक्सप्लेनेशन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हर गुड्स जो है फाइनल गुड्स नहीं होते, डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। तो पूरे आंसर का 2 से 3 लाइन में समरी हम लिखते हैं कंक्लूजन में। तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन वी कंक्लूड दैट मिल्क इज नॉट ऑलवेज अ फाइनल गुड्स हिंस द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। ठीक है, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाई यूजिंग माई रेफर कोड मयंक CS10 और MA LIFE टू गेट डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेस अवेलेबल ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा रेफर कोड है बेटा मयंक CS10। ठीक है,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।